हाय एंड वेलकम टू फर्स्ट गोल्ड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे विथ डायग्राम। मीन्स डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर था, मीन्स अभी भी है लेकिन अभी यूज नहीं होता है, तो वो किस किस टेक्निक से काम करता था, किस प्रकार से किस टेक्निक का यूज करके वो टेक्स्ट और इमेजेज को प्रिंट करता था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हिस्ट्री और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। तो द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर आल्सो नॉन एज अ पिन प्रिंटर दैट वाज रिलीज्ड बाय आईबीएम इन 1957। वो 1957 में किसके द्वारा रिलीज हुआ था? आईबीएम के द्वारा। उसे पिन प्रिंटर कहा जाता था, क्यों? क्योंकि समझ लीजिए, वो जो प्रिंट करता था, प्रिंटिंग टेक्निक्स जिस पे वो आधारित था, वो पिन पे आधारित था। मीन्स नंबर ऑफ पिन्स जितने थे वो इंक से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इंक रिबन से, और उसी के थ्रू वो प्रिंट करते थे। कैसे करते थे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे हमने वो डायग्राम समझाना है तो आप समझ जाएंगे। ऑल्दो इन 1970 सेंट्रोनिक्स क्रिएटेड द फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर। 1970 में सेंट्रोनिक्स कंपनी जो थी उसने भी अपना फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर को क्रिएट किया था। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स स्ट्राइक एन इंक रिबन यूजिंग प्रिंट हेड्स दैट प्लेस थाउजेंड्स ऑफ लिटिल डॉट्स टू फॉर्म इमेजेज एंड टेक्स्ट। ये प्रिंटर क्या करते हैं, इंक रिबन का यूज करके, क्या करते हैं, प्रिंट हेड का यूज करके इंक रिबन को स्ट्राइक करते हैं पेपर पे, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स जो है वो पेपर पे क्या होते हैं, जाते हैं, प्लेस होते हैं, और उसके कॉम्बिनेशन से, उन डॉट्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है ना, टेक्स्ट और इमेजेज का फॉर्म होता है, ठीक है। नाउअडेज एज कंपेयर टू लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर्स इट इज लेस यूज्ड एज इट्स प्रिंटिंग स्पीड स्लो एंड जनरेट्स लोअर क्वालिटी इमेज। आजकल लेजर और इंकजेट प्रिंटर के जमाने में इन प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कोई यूज नहीं करता है, हालांकि ये यूज होते हैं अभी भी। अभी आप चल जाइए, आप जहाँ पे गैस बुकिंग सिस्टम होता है ना, गैस बुकिंग कंपनी, तो वहाँ पे जब आप रसीद लेते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे झिकझिक 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 आवाज़ करेगा, वो फाड़ेंगे रसीद, उसके बाद आपको देंगे। तो उसमें जो टेक्स्ट प्रिंट होता है वो आप देखिएगा ध्यान से, तो उस टेक्स्ट में क्या होगा ना, बहुत सारे डॉट 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 के कॉम्बिनेशन से टेक्स्ट बना हुआ होगा। या आप चले जाइए कहाँ पे, बिजली ऑफिस ब्रांच में चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कीजिए, या आप सबसे अच्छा बैंकिंग, यस बैंकिंग में आपका यूज होता है, बहुत सारे बैंक में अभी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज हो रहा है। जो पासबुक आपका प्रिंट होता है वो भी डॉट 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 के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। तो आजकल बहुत जगह पे जहाँ पे ज़्यादा हमको जल्दी का काम नहीं है वहाँ पे इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है, और ये थोड़े सस्ते भी होते हैं इसलिए भी यूज किया जाता है। तो अभी ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, आगे हम लोग को वर्किंग प्रिंसिपल भी देखना है। तो इट इज लेस यूज एज इट्स प्रिंटिंग स्पीड स्लो एंड जनरेट लोअर क्वालिटी इमेज, बहुत ही लोअर क्वालिटी इमेज को जनरेट करते हैं ये। इन सम सेक्टर्स लाइक पैकेज डिलीवरी कंपनीज एंड ऑटो पार्ट्स स्टोर, यस देखिए पैकेज डिलीवरी कंपनी में भी बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। जो बिल आप देखते हैं ना, या मॉल में चले जाइए, बहुत सारे मॉल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बिल जो जनरेट होता है, बिल जनरेट करने वाली जो मशीन होती है ना छोटा सा, वो किस पे आधारित है, किस टेक्निक पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे आधारित है। आप देखते होंगे वो झिक 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 करके बिल आया, फिर उन्होंने फाड़ा और दे दिया, क्योंकि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसे पेपर जो होता है ना, पेपर उसमें जुड़ा हुआ रहता है, सारा पेपर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, एडवांटेज तो नहीं ही बोलेंगे, क्योंकि आप अभी जो सारे प्रिंटर यूज करें उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप करते क्या है कि बहुत सारे पेपर, A4 पेपर या जिस भी साइज का पेपर आपका प्रिंटर में सपोर्ट करता है या आपको प्रिंट करता है, आप क्या करते हैं प्रिंटर के पेपर बॉक्स में डाल देते हैं, और उसके बाद प्रिंटर एक एक पेपर लेके उसको प्रिंट करता है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या था कि आपको पेपर का एक जिसे आप समझ लीजिए, जिस तरह समझ लीजिए या गुच्छा कह लीजिए, लपेटा हुआ आपको डालना पड़ता था, और वो उसी पेपर को ले ले करके प्रिंट करता था, फिर आपको ऐसे फाड़ फाड़ के निकालते जाना है प्रिंट करेगा। तो जैसा आप लोग देखते होंगे बिजली ऑफिस में या गैस बुकिंग में। तो आगे आप लोग देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या, पहला स्पीड, तो गिवन इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड द स्पीड कैन वेरी फ्रॉम 50 टू ओवर 500 कैरेक्टर पर सेकेंड। तो ये कितना कम है भाई,
50 to 500 करेक्टर पर सेकेंड अगर कोई अभी प्रिंट कराएगा, तो अगर 500 पेज का डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, तो आप तो भाई 2 घंटा ऐसे ही बैठे हुए रह जाएंगे। तो मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऑफर डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रिंट डिजायर्ड। किस तरह का क्वालिटी आपको प्रिंट करना है, उसके आधार पर डिफरेंट तरह का स्पीड क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा है प्रिंट क्वालिटी, तो डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिन्स। यस, क्योंकि ये पिन पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था पिन प्रिंटर भी इसे बोलते हैं, पिन टेक्निक पे आधारित है। तो नंबर ऑफ पिन्स कितना है ये डिटरमाइन करता है कि आपका प्रिंट क्वालिटी कैसा होगा। अब नंबर ऑफ पिन्स क्या है, द मैकेनिज्म दैट प्रिंट द डॉट्स। इट कैन वेरी फ्रॉम 9 to 24, 9 से 24 पिन हो सकते हैं एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। द बेस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 24 पिन कैन प्रोड्यूस नियर लेटर क्वालिटी टाइप। जो बेस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेट इज 24 पिन जिसमें होते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकता है एक लेटर क्वालिटी टाइप का, बिल्कुल लेटर नहीं, लेटर क्वालिटी टाइप का प्रिंट कर सकता है। ऑल्दो यू कैन स्टिल सी अ डिफरेंस इफ यू लुक क्लोजली। अगर आप क्लोजली देखेंगे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ने प्रिंट किया, तो आपको डॉट डॉट दिख जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के क्या एडवांटेजेस थे, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज लेस एक्सपेंसिव। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव थे, बहुत ही कम कॉस्ट में ये आ जाते थे एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द प्रिंटर्स, एंड इट इज इजली अवेलेबल इन द मार्केट। बट आज ये इजली अवेलेबल नहीं है। इट हैज द एबिलिटी टू प्रिंट कार्बन कॉपीज ऑफ अ पार्टिकुलर प्रिंट आउट अनलाइक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये किसी भी पार्टिकुलर प्रिंट आउट का कार्बन कॉपीज प्रिंट कर सकते थे। इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज लोएस्ट एंड देन द अदर प्रिंटर्स। प्रिंटिंग कॉस्ट जो था वो भी काफी कम खर्च में निकल जाता था। फर्दर मोर इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस एक्सपेंसिव देन द अदर प्रिंटर्स। कुल मिला के बात ये कि ये लेस एक्सपेंसिव थे। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप 4 पॉइंट में लिखिए, अगर आपको बोलना है तो बस ये लेस एक्सपेंसिव थे रादर देन अदर प्रिंटर्स, ठीक है, या कंपेयर्ड विद अदर प्रिंटर्स। आगे है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो बहुत ज्यादा थे। डिसएडवांटेज क्या थे, दे कैन ओनली प्रिंट लो रिजोल्यूशन ग्राफिक्स विद लिमिटेड कलर परफॉर्मेंस, लिमिटेड क्वालिटी एंड कंपैरेटिवली लो स्पीड। काफी लो स्पीड में भी ये वर्क करते थे। इट क्रिएट्स हाई नॉइज। यस, नॉइज बहुत क्रिएट करते हैं ये प्रिंटर, है ना। जो पुराने प्रिंटर्स होते थे आप देखते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितना आवाज करता था जब प्रिंट करता था, थोड़ा सा प्रिंट कर रहा है आवाज दुनिया भर का कर रहा है। व्हेन द पिन हिट द रिबन टू द पेपर, और आवाज किस लिए करते है? जो पिन था वो जब पेपर पे हिट करता था तो वही आवाज करते थे। इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रिंटर एज इट रिक्वायर्स अ सिंगल पेपर टू वाउंड अप एंड अलाइंड मैनुअली। यस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये टाइम कंज्यूमिंग प्रिंटर बोला जाएगा क्योंकि ये सिंगल पेपर को वाउंड अप एंड अलाइंड मैनुअली करके, इसे सिंगल पेपर को ही वाउंड अप करके अलाइन करना पड़ता था इसमें मैनुअली, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। देखिए ये जो आपको एक दिखाया गया है एग्जाम्पल, ये क्या है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का फिगर है। तो आगे हम लोग देखते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। तो आपको क्या लिखना है एग्जाम में, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्टली कंप्यूटर सेंड्स अ सीरीज ऑफ आस्की कोड्स दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स पंक्चुएशन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो सेंड्स सम प्रिंटर मूवमेंट्स इंफॉर्मेशन सच एज टैब्स कैरेज रिटर्न्स एंड फॉर्म फिट्स एक्सेट्रा। सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है जिसे आप प्रिंट कमांड दे रहे हैं प्रिंटर को, वो एक सीरीज ऑफ ए सेट ऑफ आस्की कोड भेजेगा प्रिंटर को, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, पंक्चुएशन है, इन सारे को, और साथ ही साथ भेजेगा क्या, सम कमांड, सम प्रिंटर सेटिंग उस आस्की कोड में रहेंगे, जो कि क्या रहेगा, प्रिंटर मूवमेंट रहेगा, जैसे टैब, कैरेज रिटर्न्स, फॉर्म फिट एक्सेट्रा वगैरह, विच कंट्रोल्स द पोजिशन ऑफ द प्रिंट हेड एंड प्रिंट कैरिज। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, प्रिंटर रिसीव्ड द आस्की कोड्स, प्रिंटर रिसीव्ड करेगा उस आस्की कोड्स को, एंड फर्स्ट स्टोर इन साइड ऑन बफर विच इज अ स्मॉल रैम इन साइड द प्रिंटर। देखिए हमने जब प्रिंटर पढ़ा था जस्ट इसके पहले वाला, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए उस वीडियो को। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रिंटर के अंदर जो प्रिंटर होता है उसमें मेमोरी होता है या नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो हमने डिस्कस किया था डिटेल में
प्रिंटर में एक मेमोरी होता है जिसमें वो अपना कुछ सेट ऑफ फंक्शन, छोटा मेमोरी होता है जिसमें वो अपना सेट ऑफ फंक्शन को स्टोर करता है। तो उसी में क्या करेगा, ये आस्की कोड जो सिस्टम के द्वारा भेजा गया उसमें वो क्या करेगा, ऑन बफर में स्टोर करेगा। थर्ड स्टेप क्या है, द प्रोसेसर इनसाइड द प्रिंटर, जो प्रिंटर के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, सेलेक्ट्स अ पार्टिकुलर डॉट पैटर्न फ्रॉम द बिट मैप टेबल कंटेंट इन द प्रिंटर्स रोम चिप। प्रिंटर के रोम चिप में जो बिट मैप टेबल रहेगा उससे एक पार्टिकुलर डॉट पैटर्न को सेलेक्ट करेगा, एंड द प्रिंटर प्रोसेसर टेक्स द डॉट पैटर्न इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिट मैप टेबल एंड सेंड्स द सिग्नल टू द प्रिंट हेड। और वो क्या करेगा, प्रिंट हेड को सिग्नल सेंड करेगा। देन द प्रिंट हेड प्रिंट पिंस रिकनेक्टेड टू इंडिविजुअल सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो प्रिंट हेड क्या करेगा, जो इंडिविजुअल सोलेनॉइड है ना और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आगे हम लोग देखेंगे फिगर, उससे क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फायर द प्रिंट पिंस, प्रिंट पिंस को फायर करने के लिए दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इनर्जाइज्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे इनर्जाइज्ड किया जाएगा। दिस रिपेल्स द मैग्नेट कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द पिन कॉजिंग द पिन टू मूव इट टुवर्ड्स द पेपर। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इनर्जाइज्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल्स द मैग्नेट, जो मैग्नेट कनेक्टेड है उसे धक्का देगा, और जिसके कारण क्या होगा, कॉजिंग द पिन टू मूव विद इट, जिसके कारण वो पिन मूव होगा और पेपर पे जाके लग जाएगा, पेपर पे डॉट बन जाएगा। द मूविंग पिन स्ट्राइक्स अ इंक कोटेड रिबन, जो मूविंग पिन है वो इंक कोटेड रिबन को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इंक कोटेड रिबन को, और वो रिबन जाके पेपर पे प्रिंट होगा। आफ्टर द पिन फायर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डीएनर्जाइज्ड, जब पिन फायर हो गया उसके बाद फिर डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो पिन वापस बैक आ जाएगा और जो इंक कोटेड रिबन है वो भी बैक आ जाएगा। एंड द स्ट्रिंग पुल्स बैक द प्रिंट पिन इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन रेडी टू फायर अगेन। Thus, the print head continues firing different combinations of print wires as it moves across the page so that various vertical dot patterns can be printed to produce different character shapes. अब क्या होगा, जिस तरह का उसने बिट मैप टेबल लिया है, जिस तरह का उसने ASCII कोड भेजा है सिस्टम ने, उसी तरह का प्रिंट हेड क्या करेगा, कंटिन्यू फायरिंग करते रहेगा, जिसके कारण डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंट वायर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल डॉट प्रिंट होते जाएंगे जैसे जैसे पेपर आपका आगे बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा, डिफरेंट कैरेक्टर से प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे फिगर ध्यान से, ये देखिए मेन कहानी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, ये हो गया आपका प्रिंट हेड, ये देखिए ये है पिन, ये है पिन, ठीक है, आगे में इंक कोटेड रिबन। तो ये पिन देखिए, ये देखिए यहाँ पे 1, 2 और लास्ट का 2, देखिए आगे का 2 पिन और लास्ट का 2 पिन, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट इनर्जाइज्ड है और ये पिन को क्या कर रहा है, फायर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट प्रिंट हो रहा है, और जो बीच के सारे हैं वो पहले से अपने प्रीवियस फॉर्म में है, मीन्स ये प्रिंट नहीं हो रहे। तो इसी तरह का कुछ कॉम्बिनेशन यूज होता है, और देखिए ये डॉट 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 डिफरेंट डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉट, यहाँ पे तो आपको एग्जांपल के लिए कम दिखाया गया, थाउजेंड ऑफ डॉट्स मिल करके क्या होते हैं, कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन को प्रिंट करते हैं। एक और फिगर आप देख लीजिए, क्या दीज पिंस प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए, ये तो हम लोग जान ही रहे डॉट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे क्या है, मात्र 7 पिन है। तो जब 7 पिन है तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, जो कैरेक्टर प्रिंट हुआ है डेट इज ए, आपको थोड़ा है ना कम आपको रिजोल्यूशन में मिलेगा क्योंकि पिन कम है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा ज्यादा पिन है, 5x7 का पिन है, तो यहाँ पे जो ए आपको कैरेक्टर प्रिंट हुआ है वो थोड़ा रिजोल्यूशन अच्छा लग रहा है। तो जितना नंबर ऑफ पिंस होगा आप समझ गए, उतना अच्छा आपका कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के वर्किंग को यहाँ से समझ सकते हैं, इस फिगर को एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं, फिगर को दिमाग में रख लीजिए। आपको नोट्स जो है वो PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां से डाउनलोड कीजिए और इसको बार बार देखिए। ध्यान से बस समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आपको इस फिगर को भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बस इतना ध्यान देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इनर्जाइज्ड होगा, वो पिन को पुल करेगा, पिन क्या होगा, इंक कोटेड रिबन को टच करेगा और वहां पे डॉट प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार डिफरेंट वर्टिकल डॉट्स प्रिंट होते रहेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर्म होंगे।
बस ये हुआ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मैकेनिज्म। ये बहुत ही आसान था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है ये समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में दीजिए। कोई वीडियो अगर लगता है आपको छूट गया है, ये टॉपिक छूट गया है, तो उस टॉपिक का नाम लिखकर हमें कमेंट में भेजिए, या आप इस मेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अपना मेल आईडी दे दिया है, और ये सारा हमारा सोशल हैंडल है। आप चाहे तो इसे हम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आते रहता है। आज ये वीडियो आएगा, पहले से वहाँ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंकजेट प्रिंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।